अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करेंगे उसका नाम है स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये स्किज़ोफ्रेनिया की ही एक शॉर्ट फॉर्म होगी, यानी स्किज़ोफ्रेनिया में ज़्यादा फीचर्स होंगी, ज़्यादा सिम्टम्स साइंस होंगे, लेकिन इसमें कम होंगे और ये पर्सनालिटी को मुतासर करेगा। स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज़ एन अनकॉमन कंडीशन इन विच पीपल अवॉइड सोशल एक्टिविटीज़ एंड कंसिस्टेंटली शाई अवे फ्रॉम इंट्रैक्शन विद अदर्स। ऐसे लोग जो हैं वो इंतहाई शाये होते हैं, वो अवॉइड करते हैं सोशल इंट्रैक्शन से, बिल्कुल अलोन और तनहा सा हो जाते हैं। दे आल्सो हैव अ लिमिटेड रेंज ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में फ्लैट इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, इस तरह इसमें भी इमोशनल रिएक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। इमोशंस ऐसे लगता है जैसे एक्सप्रेशन लेस हो इंसान। लेक द डिज़ायर और स्किल टू फॉर्म क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप्स। इनके कोई दोस्तियाँ नहीं होती, कोई पर्सनल क्लोज रिलेशंस नहीं रह जाते, बिल्कुल ये कट ऑफ हो जाते हैं। इनको इतनी बेजारी होती है बिकॉज डोंट टेंड टू शो इमोशन, क्योंकि ये इमोशन तो शो नहीं करवाते, ना खुशी का ना गमी का, ना ही इनको कोई एहसास होता है। डोंट केयर अबाउट अदर्स, इनको दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं होती, किसको बुरा लग रहा है, कौन मुझे बुरा कह रहा है, इनको कोई परवाह नहीं होती। और व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस, इनको ये भी परवाह नहीं होती कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। इसके कुछ और साइन और सिम्टम्स डिस्कस करते हैं। प्रेफर बीइंग अलोन, ये अकेला रहना प्रेफर करते हैं, इनको अकेला रहना अच्छा लगता है। एंड चूज़ टू डू एक्टिविटीज़ अलोन, अगर ये कोई काम करना चाहें तो ये अकेला करना पसंद करते हैं। डोंट वॉन्ट टू इन्जॉय क्लोज रिलेशनशिप्स, कोई इनकी दोस्तियाँ नहीं होती, कोई क्लोज रिलेशन नहीं रह जाते। फील लिटल इफ़ एनी डिज़ायर फॉर सेक्स और रिलेशनशिप्स, अव्वल तो इनको कोई डिज़ायर होती नहीं है सेक्स और रिलेशन की, अगर हो तो बिल्कुल माइनर किस्म की होती है। फील लाइक कांट एक्सपीरियंस प्लेयर, इनको लगता है कि इनको कभी खुशी का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, ये कभी खुश नहीं महसूस करते खुद में। हैव डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड रिएक्टिंग अप्रोप्रिएटली टू सिचुएशंस, इनको समझ नहीं आती कि कैसे मुख्तलिफ सिचुएशंस में बिहेव करना है, क्योंकि इनको इमोशनल इशू होता है, फ्लैटन इमोशनल रिस्पॉन्स होता है इनका। तो जब फ्लैट इमोशंस होते हैं तो इनको ना खुशी का पता है, ना गमी का, ना दुख का, ना गुस्से का किसी का पता चलता है। मे सीम ह्यूमरलेस, ना ही इनको किसी के तंज़ो मज़ाक का अंदाज़ा होता है। इनडिफरेंट होते हैं, इमोशनली कोल्ड होते हैं, सर्द मिजाज से होते हैं, दूसरों को ऐसा ही ये महसूस करवाते हैं कि इनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये बेजार होते हैं, इनकी शख्सियत में ये चीज़ आ जाती है। स्किज़ोइड यानी साइकोसिस की तरफ माइल होते हैं ये। मे अपीयर टू लेक मोटिवेशन एंड गोल्स, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई किसी किस्म की इनको तहरीक नहीं मिलती कि ये अपनी लाइफ का कोई गोल बनाएं, कोई अचीव करें। डोंट रिएक्ट टू प्रेज और क्रिटिकल रिमार्क्स फ्रॉम अदर्स, अगर कोई शख्स इनकी तारीफ़ करे या इन पे तनकीद करे तो ये उस पर कोई रिएक्ट नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं देते। ये नहीं है कि ये अंडरस्टैंड नहीं करते, ये अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इनमें कोई इमोशनैलिटी रहती नहीं, फ्लैट इमोशनल रिस्पॉन्स हो जाते हैं, इस वजह से फिर इनको ये इशू आता है। ऐसे क्लाइंट्स को अगर देखें तो इनकी पर्सनैलिटी टेस्टिंग जब होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसमें पता चलता है कि ये शख्स ऐसा बना क्यों, कौन कौन सी फैक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया, एटियोलॉजी क्या है, कॉजेज क्या हैं इस बीमारी की। तो वही सोशल बायोलॉजिकल फैक्टर्स सामने आते हैं जिसकी वजह से कोई भी शख्स नफसियाती मरीज़ बन जाता है। इसमें सोशल फैक्टर को बहुत अहमियत हासिल है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं जी ये ऐसे ही पैदा हुआ था, ये था वो था, पैदाइश के वक्त ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऐसा हो गया था, पेचीदा हो गई थी डिलीवरी, ऐसी चीज़ों से भी नो डाउट इशू आते हैं, लेकिन इसमें सोसाइटल फैक्टर जो है उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना। अल्लाह हाफिज़।